So including today, 90 days are left for your exams. In this video, I am going to be sharing with you all few things जो आपको अपने दिमाग में रखनी ही रखनी है जब आप अपनी टाइम टेबल बनाएं। देखो ऑफ्टन सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे क्या कर देते हैं ना, रॉन्ग प्लानिंग। क्योंकि अगर आपका प्लान या आपका टाइम टेबल ही ठीक से नहीं बना है तो आपकी स्टडीज कहीं ना कहीं ऑफकोर्स इंपैक्ट होने ही वाली है, इट इज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करने वाली हूं कि आप अपने टाइम टेबल में किन किन चीजों को इंक्लूड करेंगे जब आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे। बेसिकली आज मैं इस चीज पे बात करने वाली हूं कि आपके टाइम टेबल में क्या क्या होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें आपके टाइम टेबल में है तो वेल एंड गुड। अगर आपने इसमें से कोई भी चीज छोड़ी है या उस तरीके से प्लान नहीं की है तो आई थिंक आपको एक बार यहां ध्यान देने की जरूरत है। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करें, बट बिफोर दैट, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं, गाइड कर सकूं मेरे वीडियोस से। चलिए आज की इस सेशन को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दो सेट ऑफ बच्चे हो सकते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स वो हो सकते हैं जो पहली बार नवंबर 23 के एग्जाम्स देने वाले हैं और बोथ द ग्रुप्स या सिंगल ग्रुप जो भी है अपियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम्स दे रहे हो और बोथ द ग्रुप्स या सिंगल ग्रुप अपियर कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपके क्लासेस 31 अगस्त तक खत्म हो जाने चाहिए। स्पेशली अगर आप बोथ द ग्रुप्स दे रहे हैं तो आपकी क्लासेस 31 अगस्त तक खत्म हो जाने चाहिए। सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो इट्स फाइन, अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप बोथ द ग्रुप्स दे रहे हैं तो 31 अगस्त इज द डेडलाइन। अगेन कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनके क्लासेस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, हो सकता है आपने पिछले वाला एग्जाम दिया हो और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है और आप फिर से अब नवंबर के लिए बैठने वाले हैं। तो सारे बच्चों के लिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बातें हैं वो है ये। सबसे पहली चीज देखो, अगर आपने अकाउंट्स को रिवाइज करने के लिए, फॉर दैट मैटर किसी भी सब्जेक्ट को, लेट्स से अकाउंट्स को आपने रिवाइज करने के लिए अगर 10 दिन रखे हैं कि चलो 1 to 10 मैं अकाउंट्स को रिवाइज करूंगा, तो ऐसे केस में स्पेशली आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कम से कम आपके 2 बार लिख के होने चाहिए, 2 times राइटिंग, 1 time आप ओरल भी कर सकते हो। एंड आपके जो थियोरी सब्जेक्ट्स है उसमें कम से कम आपकी रिविजन्स कम से कम 3 बार तो होनी ही होनी चाहिए, बेयर मिनिमम है ये, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद रहे। तो जब आप अपना टाइम टेबल बनाओगे पढ़ाई का, तो सबसे पहले लेट्स से तुमने अकाउंट्स को टाइम दिया है कि आप 10 दिन में पहली बार अकाउंट्स को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो सेकेंड रिविजन आप करोगे, सेकेंड रिविजन में कम से कम आप अकाउंट्स को 5 days देंगे। पहली रिविजन में अगर आपने अकाउंट्स को रिवाइज करने में 10 दिन लगाए हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि सेकेंड टाइम में कम से कम आप उसको उसका आधा, दैट इज 5 days तो आपको लगेंगे ही। एंड थर्ड रिविजन जब आप करेंगे अकाउंट्स की तो आप 2 से 3 दिन रख सकते हैं अकाउंट्स की रिविजन के लिए। तो ये टाइम टेबल में प्लीज इंक्लूड कीजिएगा। कई बार हमको लगता है नहीं नहीं 2 दिन में रिवाइज हो जाएगा, पहली बार 10 दिन लगे हैं तो सेकेंड टाइम में 2 दिन में हो जाएगा, नहीं होएगा, नहीं हो पाएगी अच्छी रिविजन। तो सबसे पहले आप अपने टाइम टेबल को जैसे भी बना रहे हैं, लेट्स से मैं अज्यूम कर रही हूं कि आपने अकाउंट्स को, लॉ को, टैक्स को, कॉस्टिंग को अगर लेट्स से 10 days दिए हैं तो सेकंड रिविजन में आप कम से कम उसका आधा, फर्स्ट टाइम का आधा, दैट इज 5 days देंगे। एंड थर्ड टाइम में 2 से 3 दिन में रिविजन हो जाती है। नाउ सेकेंड चीज जो आपको एकदम ध्यान में रखनी है वो ये है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कम से कम 2 बार आपको लिख के करना है। पहली बार जब आप रिवाइज करेंगे तो सारे सब्जेक्ट, सारे क्वेश्चंस को लिखिएगा। सेकेंड टाइम जब आप रिवाइज करेंगे तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा जो आपको फर्स्ट रिवीजन में डिफिकल्ट लगे थे। सारे लिखने का पर्पस नहीं है, फर्स्ट टाइम में एक बार आपने सारे लिखकर देखे तो जो भी आपको डिफिकल्ट लगे फर्स्ट टाइम में उस पर स्टार मार्क कर दीजिएगा, ताकि सेकेंड टाइम की रिविजन में आप सिर्फ वही क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करें जिसमें आपको दिक्कत थी। तो इस हिसाब से आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी ठीक मेंटेन रहेगी। नाउ सेकेंड चीज, कभी भी ये मत सोचना कि तुम आरटीपीज एमटीपीज लास्ट में करोगे। कई बार हमारा थॉट प्रोसेस पता है क्या होता है कि हम पहले पूरा रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद लास्ट में आरटीपीज करेंगे। लास्ट में आरटीपीज होगी ही नहीं, लिख के दे रही हूं नहीं होगी, आपका टाइम चला जाएगा आरटीपीज का। तो जब भी आप फर्स्ट रिविजन करेंगे, फर्स्ट रिविजन के साथ ही साइमल्टेनियसली आप आरटीपीज एमटीपीज को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। कितने अटेम्प्ट्स के आरटीपीज एमटीपीज करने चाहिए? कम से कम 3 से 4 अटेम्प्ट्स के। जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो। पता है आपको सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चों की क्या होती है? सबसे बड़ी मिस्टेक इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। बेटा एक सब्जेक्ट, एक
सब्जेक्ट, जैसे अकाउंट्स का सब्जेक्ट लूं, तो उसके एक चैप्टर पे आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना उतने करो। आप अपना टाइम टेबल ऐसे बनाएं कि आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सकते हैं, जैसे आरटीपी पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट्स की आरटीपीज उठाओ, मॉक टेस्ट पेपर्स उठाओ, ये आईसीएआई ड्राफ्टेड क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करें। फॉर प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया कि आप पहली बार सारे सॉल्व करें, सेकेंड टाइम में सिलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें, थर्ड टाइम आप ओरल भी करोगे तो चलेगा। एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए एक क्वेश्चन रोज लिखो। आप ना एक अपना टाइम टेबल में एक टाइम स्लॉट ही डाल दीजिए कि रोज 15 से 20 मिनट आप क्वेश्चन राइटिंग में देंगे। देखो एट द एंड ऑफ द डे आपको सारे पेपर्स में पास होना है, तो सिर्फ अकाउंट्स की प्रैक्टिस करके चलेगा नहीं, थ्योरी को भी लिखना जानना है, तो थ्योरी की भी प्रेजेंटेशन जाननी है, तो रोज एक क्वेश्चन आपको लिखना है जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा थ्योरी में, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली हर चैप्टर जो आप कर रहे हो उसके आरटीपी क्वेश्चन साथ में ही करने हैं, लास्ट के लिए नहीं छोड़ने हैं, गलती हो जाएगी लास्ट के लिए छोड़ दिया तो। अगेन मूविंग फॉरवर्ड टू, एक पेंडिंग लिस्ट भी बनाना अपने साथ साथ जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ एक पेंडिंग लिस्ट भी बनाइएगा। मान लो कोई टॉपिक आपका छूट गया, अकाउंट्स आपने रिवाइज तो कर दिया पर मान लो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छूट गया, लॉ आपने पढ़ तो लिया लेकिन कुछ सेक्शंस छूट गए, तो उसकी एक पेंडिंग लिस्ट भी साथ में बना के रखिएगा। कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं कि हमारा क्या रह गया था, तो फिर लास्ट में एग्जाम तक भूले ही रह जाते हैं और वो होता ही नहीं है। तो एक पेंडिंग लिस्ट भी बनाइएगा, जब भी टाइम मिले आप इन पेंडिंग लिस्ट के टॉपिक्स को क्या करें कवर करें, या एक दिन रख लीजिए जिस दिन ये पेंडिंग काम को क्या करें पूरा करें, तो पेंडिंग लिस्ट भी बनाना है। एंड सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल रही हूं, लेट से आपके अभी 90 डेज हैं, तो लेट से आज को मिला के यू हैव 90 डेज, तो लेट से आपने पहले 10 दिन अकाउंट्स की पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद लेट से नेक्स्ट 10 डेज तुम टैक्स की रिवीजन कर रहे हो, तो जब तुम टैक्स की रिवीजन करोगे ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको अकाउंट्स को छोड़ नहीं देना है। ऐसे नहीं कि अब मैं टैक्स पढ़ रहा हूं तो सिर्फ टैक्स ही पढ़ूंगा, नहीं, रोज अपने टाइम टेबल का 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे आपको जो आपने पहला सब्जेक्ट रिवाइज किया है अकाउंट्स उसकी रिवीजन में लगाना है। बेटा जी इसे कहते हैं स्मार्ट प्लानिंग। आपको क्या लगता है आपने अकाउंट्स 10 दिन में प्रिपेयर किया, फिर जब आप टैक्स करोगे उसके बाद कॉस्टिंग करोगे तो क्या आपको अकाउंट्स सारी चीजें याद रहेगी? नहीं, आप बहुत सारी चीजें भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है, जब आप अकाउंट्स 10 दिन करेंगे अच्छे से, एकदम अच्छे से 10 दिन करेंगे, उसके बाद जब आप टैक्स को अच्छे से करेंगे तो रोज सुबह का 1 से 1.5 या 2 घंटे अकाउंट्स की रिवीजन में लगाएंगे, जहां पे आप अकाउंट्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करो, कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स को देखो, कुछ कुछ चैप्टर्स के कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करो। आपको अकाउंट्स को छोड़ नहीं देना है। साइमल्टेनियसली टैक्स के बाद जब आप कॉस्टिंग रिवाइज करोगे तो कॉस्टिंग रिवाइज करने के समय आपको टैक्स के टच में रहना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे कर देते हैं टाइम टेबल में, कि आप पुराने सब्जेक्ट को छोड़ ही देते हो, उसको आपको कोई मतलब ही नहीं, ऐसा आप कर देते हो, तो ऐसी मिस्टेक मत करिएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने टाइम टेबल में ध्यान रखनी है जब आप टाइम टेबल बनाएंगे। ट्रस्ट मी ये मिस्टेक सबसे होती है, तो इन मिस्टेक्स को करना मत। और एक और बात, उन बच्चों के लिए जो बोथ द ग्रुप्स दे रहे हैं और जिनके क्लासेस अभी चल रहे हैं, अभी अगस्त के महीने में कम से कम 40% ग्रुप टू का खत्म कर दो। देखो अभी आपके ग्रुप टू के क्लासेस चल रहे होंगे तो 40% ग्रुप टू का आप इसी मंथ में प्रिपेयर करके छोड़ दें, क्योंकि इस मंथ के ओवर होने के बाद सितंबर में तुम ग्रुप वन की प्रिपरेशन करोगे। जब अक्टूबर जब ग्रुप टू प्रिपेयर करोगे तो आपका 40% ग्रुप टू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा अगर आप अगस्त के मंथ में ग्रुप टू को कर देते हो तो। तो ये उन बच्चों के लिए सलाह है जिनके क्लासेस अभी चल रहे हैं, जो ग्रुप टू के क्लासेस ले रहे हैं, आप मेक श्योर करें कि अभी आप 40% ग्रुप टू का अभी रिवाइज करके छोड़ दो। जो कम से कम तुम्हारी जो चैप्टर्स तुम्हें पसंद है कम से कम वो तो कंप्लीट करके छोड़ो। लाइक ऑडिट में आप 5-6 चैप्टर रिवाइज करके छोड़ दो, एडवांस्ड अकाउंटिंग के साइमल्टेनियसली हाउएवर। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा जब आप टाइम टेबल बनाइएगा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये हेल्पफुल रही हो तो, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी फायदा मिले। टिल देन मैं और वीडियोज के साथ आऊंगी और मोटिवेशन के साथ आऊंगी ताकि आपको गाइड कर सकूं और मोटिवेट कर सकूं। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहिएगा। यू हैव ऑल द एबिलिटीज एंड केपेबिलिटीज टू अचीव इट। You will do it. Trust me, trust yourself. Okay. Till then, bye-bye.